देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पूरा परिवार है, इसमें एक मात्र भी 1% भी कहीं कोई शक नहीं है। आरक्षण बाबा साहब ने कभी चाहा नहीं, और ना ही उनकी सोच और ना ही उनका सपना। कभी बाबा साहब ने आरक्षण के बारे में सोचा भी नहीं। हमें तो अपना पूरा जो हिस्सा था वो चाहिए था। बाबा साहब की पूरी लड़ाई अपने हिस्से की थी। अगर वो हिस्सा मिल जाता तो ये सरकारी कर्मचारियों के जो आरक्षण का जो आज ये हमारा संगठन है, इसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें जबरदस्ती जो चीज दी गई उसको रखाने की जिम्मेदारी भी हमारी आ गई। और जब हमारा सामाजिक संगठन बना तो सामाजिक संगठन में बुद्धि, पैसा और व्यक्तियों को देने की जिम्मेदारी भी उन्हीं सरकारी कर्मचारियों की आई, क्योंकि हमें वही टूटा फूटा हिस्सा मिला। और पूरा का पूरा जो भारत में संगठन बना वो सरकारी कर्मचारियों में। आज तक भी सरकारी कर्मचारी उस अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभा रहे। मगर हुआ क्या कि इन सरकारी कर्मचारियों को मारने के लिए बहुत सारी पॉलिसियां इस बीच में आ गई, और सरकारी कर्मचारियों की हमारी संख्या 20 लाख से घटके 5 लाख पे पहुंच गई, और अगले 4-5 साल में वो 2 लाख और 3 लाख तक रह पाएगी। बाकी जो सरकारी कर्मचारी हैं ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गए, ये जानते हुए कि इन्होंने इतना तगड़ा सामाजिक संगठन बना दिया जो देश में सत्ताधारी लोगों के लिए चैलेंज हो गया और वो सत्ता में हिस्सेदारी के लिए लगभग आ गए। इसलिए सबसे पहले उनको खत्म किया गया। हमारे सरकारी कर्मचारियों को बचाने के लिए कोई संस्था नहीं आई। जो संस्था बनी दिल्ली के अंदर वो हमारा महासंघ बनी। उस महासंघ ने सरकारी कर्मचारी को जो भी अपने टूटे फटे साधन से जितना रोक पाए, जितना समझौता कर पाए, या जितना लोगों की बात जा के उनसे खुशामद कर करके निकाल सके, वो हमारे महासंघ ने निकाला। और वो महासंघ का नेता तो सब यहाँ बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये खास बात रही कि हम सहयोग भी कर रहे हैं, हम लड़ भी रहे हैं और हम अपने आप को बचा भी रहे हैं। ये सरकारी कर्मचारियों की खास बात है। ताली हो जाए इस बात के लिए कि सरकारी कर्मचारी बहुत काम कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि सरकारी कर्मचारी लीड करता है आज भी। आज भी जो फंडिंग होती है किसी भी सामाजिक काम के लिए या जो भी काम हम करते हैं उसकी सरकारी कर्मचारी से होती है। हमारे पास में ना अभी तक इंडस्ट्री है, ना हम खेत के बहुत बड़े मालिक बने हैं, ना ही हमारी हिस्सेदारी कहीं दुनिया के अंदर है, और ना ही हमारे वर्कर दुनिया में जा पाए। ये सारा का सारा जितना भी सरकारी कर्मचारियों का संगठन ने बनाया, जहां से शुरुआत हुई, उनकी बहुत सारी ब्रांचें बन गई। जो जगह 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 जिनको कहते हैं कि आज कुछ ब्रांचें वहां है, कुछ वहां है, जो वो लोग हैं वो ब्रांच नहीं बोलते, वो कहते हैं टूट फूट हो गई। हम कहते हैं कि हमारी ब्रांचें बनी है क्योंकि सबकी विचारधारा और सबका काम और सबका एजेंडा और सबका कोर्स एक है, सेम है। इसलिए ये वाला जो संगठन है ये सरकारी कर्मचारियों का सबसे लीडिंग वाला संगठन है। मगर सरकारी कर्मचारियों को अगर ये अथॉरिटी मिल जाए कि हमारे सामाजिक और हमारे जो संगठन है और हमारी जो सत्ता है, अगर वो सरकारी कर्मचारियों को पूरे देश में, क्योंकि पूरे देश में हमारा नेटवर्क है, महासंघ का नेटवर्क है, इसको ऐसे पहचाना जा सकता है कि अगर चेन्नई के आदमी को परेशानी होती है तो उसका फोन हमारे पास आता है। अगर हमारे रेलवे के किसी आदमी को परेशानी बिहार में होती है तो उसका फोन हमारे पास आता है। हम अपनी थोड़ी बहुत मदद करते हैं क्योंकि हमारा सरकार में जो हमारी SC ST की पार्लियामेंट्री कमेटी होती है या हमारा SC ST का जो लोग होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, हम उनसे खुशामद करके, उनसे दरामद करके अपना काम निकालने की कोशिश करते हैं और हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अगर ये सारा का सारा, क्योंकि जो काम एक बार हमारे जो बड़े भाई हैं विवेक कुमार जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। विवेक कुमार जी ने जब बंद कमरे में मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में मैं था, वहाँ हम 4-5 लोग आए थे। वहाँ उन्होंने कहा कि जो हमारा BST का संगठन है उसका जो बाम सेफ का धड़ा है वो काम करना चाहता है। बड़ी सारी बात हुई। मैंने कहा विवेक कुमार जी आप एकेडमिशन हैं, आप कभी ग्राउंड पे तो आते नहीं, आप जो भी काम करेंगे वो पिछले काम के असर का काम होगा, आपका अपना नहीं है। वो बात मानी नहीं क्योंकि वो जमीन पर नहीं आते, हो सकता है उनको बुरा लगा। तीसरी मीटिंग के बाद में उन्होंने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया क्योंकि मैं प्रश्न ज्यादा करता था। बेसिकली मैं हकीकत बताता, क्योंकि जिन लोगों ने सड़क पे काम किया है और जो एकेडमिशन है उनमें अंतर होता है। एकेडमिशन किताबें ज्यादा पढ़ते हैं और जो फील्ड में काम करते हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, जो जाके लड़ते हैं, उनकी रूपरेखा अलग होती है। और मैं महासंघ का एक बड़ा पदाधिकारी भी रहा हूँ, इसलिए मैं खुल के बोल नहीं देता उस बात। तो ये जो भूमिका थी सरकारी कर्मचारी की सड़क पे दौड़ने वाले, क्योंकि हमारे जितने भी संगठन है वो हमारे टच में है, चाहे वो सारे बैंक हैं, वो चाहे सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। मेरी खुद की MCT में 1.25 लाख कर्मचारी हैं, जो बहुत बड़ा संगठन है, SC ST OBC के नाम से बन चुका है, और पूरे देश में संगठन है। ये जिम्मेदारी अगर क्या बोलते हैं हमें मिलती और हम अगर कर सकते तो हम पूरे देश में
सरकारी कर्मचारियों के संगठन को, बेशक आज की डेट में 5 लाख रह गए हैं, हम ज्यादा फाइट करते और कोशिश करते कि हमारी वैकेंसियां भरी जाती और हम वो काम ज्यादा अच्छी तरह से करते, क्योंकि हमारी ब्रांचें बहुत ज्यादा बन गई हैं और वो हमने जोड़ी हुई हैं। इसलिए अगर ये जैसा कि हमारे भाई के टी ने कहा कि ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसमें आते जाते लोग होना चाहिए, ये सुझाव बहुत अच्छा है, क्योंकि हम सब परिवार के एक हिस्से हैं, हमारी ब्रांचें एक होनी चाहिए। अब समय आ गया है कि सारे सरकारी कर्मचारी एक ही लाइन और एक ही धारा पे काम करें, जिससे कि जो लक्ष्य है वो प्राप्त किया जा सके। और मैं इस बात का प्रस्ताव जो के पी सिंह जी ने किया है, क्योंकि बहुत ज्यादा लर्निड है, पढ़े लिखे हैं और बहुत ज्यादा जानते हैं, उनके प्रस्ताव में बड़ा दम है और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जो सरकारी कर्मचारी जिम्मेदारी है महासंघ की, और उनकी वो साथ होनी चाहिए, और जो हमारे लीडर हैं और जो हमारे काम करने वाले लोग हैं, वो एक बार अपनी ताकत, और चूंकि अब बूढ़े हो गए, 5-5 साल में रिटायर होने वाले, इससे पहले वो अपनी पूरी ताकत के साथ में इसको और ज्यादा मजबूत कर दें। जय भीम, धन्यवाद।